वेजिटेरियन कुकिंग में आपका स्वागत है। आज की हमारी ऑयल फ्री टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी है पेरी पेरी मशरूम, जिसे हम हर्ब राइस के साथ सर्व करेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये रेसिपी बनती कैसे है। इससे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम 2-3 चॉप्ड गार्लिक, 1/2 बाउल अनियन, 2-3 ड्राइड रेड चिली, 1 बाउल चॉप टमाटो, 1 बाउल चॉप रेड बेल पेपर, नमक स्वाद अनुसार डालकर मिलाएंगे। और 2 मिनट के लिए इन्हें पकने देंगे। फिर इसे हम एक मिक्सचर जार में डालकर पीस लेंगे। हमारा पेरी पेस्ट बनकर तैयार है। अब दोबारा से एक पैन गरम करेंगे और उसमें 1 टीस्पून जीरा डालकर भून लेंगे। 1-2 चॉप्ड गार्लिक डालकर इसे भी भूनेंगे। वन टीस्पून ग्रीन चिली, 1 बाउल चॉप्ड मशरूम, 1/2 बाउल चॉप्ड रेड बेल पेपर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालकर मिलाएंगे। अब पिसा हुआ पेरी पेस्ट इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ढककर पकने देंगे। जब तक मशरूम पक रही है, तब तक हर्ब राइस बना लेते हैं, जिसके लिए हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें 1-2 हरी मिर्च डाल के भून लेंगे। वन बाउल स्प्रिंग अनियन भी डालकर भूनेंगे। जरूरत अनुसार पानी ऐड करेंगे। अब 1 बाउल बॉइल्ड राइस ऐड करेंगे और मिलाएंगे। फिर 1/2 बाउल कोरिएंडर लीव्स, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालकर मिलाएंगे। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड करेंगे और दोबारा से मिलाएंगे। इन्हें 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा स्टीम होने देंगे। हमारा हर्ब राइस बनकर तैयार है और साथ ही पेरी पेरी मशरूम ग्रेवी भी बनकर तैयार है। इन्हें हम एक प्लेट में डालकर सर्व करेंगे और गरम गरम इंजॉय करेंगे। ऐसी ही और भी हेल्दी एंड टेस्टी जीरो ऑयल रेसिपीज वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल साउथ जीरो ऑयल कुकिंग को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।